बता दें रूसी बमबारी अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है यूक्रेन के खार्किव से, जहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई है। रूसी सेना के हमले में बड़ी तबाही हुई है। खार्किव से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर खार्किव में दिखे रूसी सेना के जवान, अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर खार्किव से, जो दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का। अभी एक घंटे से खार्किव में फिलहाल सीज फायर जारी है, लेकिन उसके ठीक पहले सेना के हमले में बड़ी तबाही जिस तरह की सामने आई है। रूस ने जहां तहां तबाही के मंजर फैला दिए हैं। खार्किव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यकीनन वो अपने आप में बेचैन करने वाली है। हालांकि इस तबाही के बाद फिलहाल सीज फायर का ऐलान किया गया है, और सीज फायर यानी कि फिलहाल वहां पर लोगों को, जो आम नागरिक फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जाएंगी, और किसी भी तरह की बमबारी अभी नहीं होगी जब तक सीज फायर है। लेकिन उसके ठीक पहले अपार्टमेंट को, बिल्डिंग्स को, वहां पर जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनको जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की, चाहे कीव हो, चाहे खार्किव हो, कोई भी इलाका हो, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इन सब के बीच खार्किव में रूसी सेना के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर चहलकदमी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ खार्किव, और ये तस्वीर देखिए, आप देखिए किस तरह से शहर को छोड़ने के लिए भारी तादाद में, बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा किस तरह से है, जो यहां तहां शहर को छोड़कर दूसरे जगहों पर। खार्किव के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, आप देखिए बिल्कुल पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। खचाखच भरा हुआ ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन, और ट्रेनों में इतने लोग बैठ भी नहीं पाएंगे जितनी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में खार्किव में रूसी सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन, हजारों की तादाद में वहां पर यूक्रेन के लोग, इतनी बड़ी तादाद में तो कई ट्रेनों को चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग वहां से बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल की स्थिति क्या है खार्किव में? युद्ध विराम है अभी, वहां से क्या खबर मिल रही है गौरव? जैसे ही रूस ने युद्ध विराम का ऐलान किया, उसके बाद यूक्रेन की सेना उसके लिए तैयार थी, और यूक्रेन की सेना भी अब यही प्रयास कर रही है दोनों तरफ से कि इंटरनेशनल रेडक्रॉस सोसाइटी कमेटी, वो उसकी निगरानी में लोग सुरक्षित इस युद्ध के मैदान से निकल सके। ये केवल नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए है, सिविलियंस के लिए है, लेकिन यूक्रेन के नागरिक जो 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच है, उनके लिए युद्ध विराम नहीं है वहां से निकलने के लिए। लेकिन जिस संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं जो खार्किव से निकलना चाहते हैं, वो पिछले 10 दिनों से फंसे हुए थे और बहुत डेस्परेटली इस समय निकलने का प्रयास खार्किव से कर रहे हैं ये लोग। कई ट्रेनें चलाई जाने की उम्मीद है अगले करीब 12 घंटों में, जब तक इन लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। अगर मैं आपको चित्रा भारतीय बच्चों के बारे में बताऊं जो सुमी में फंसे हैं, वहां पर बसे कई, पोल्टोवा एक यहां पर शहर है, पोल्टोवा में भारतीय दूतावास ने बसों का प्रबंध किया है जो उनको सुरक्षित पोल्टोवा से सुमी और सुमी से बच्चों को लेते हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे। संभवतः उनकी कोशिश ये रहेगी, अगर वहां पर आईसीआरसी बेलगोरोड रूस का बॉर्डर बोलेगी तो वहां जाएंगे, कीव बोलेगी तो कीव आएंगे, और फिर यहां से उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। ये लगभग 400 से 700 के बीच अलग अलग जगहों पर ये संख्या बताई जा रही है सुमी और आसपास, जिन लोगों को सुरक्षित निकालने की समय आवश्यकता है। चित्रा।